अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने 1 किलो 214 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से गांजे की तस्करी को लेकर पूछताछ की जा रही है और उसके पुराने रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी जगदीश मीणा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि दरगाह थाना क्षेत्र के अम्बा बावड़ी इलाके में एक व्यक्ति अवैध रूप से मादक पदार्थ बेचने की फिराक में है। पुलिस ने संबंध में टीम का गठन कर आरोपी की तलाश शुरू की तो अम्बा बावड़ी का ही निवासी मतीन अंसारी को पकड़कर उसकी तलाश ली गई, जिसके पास 1 किलो 214 ग्राम मादक पदार्थ मिला है। आरोपी सहित संबंध में घटना से पड़ताल की गई तो उसने कोई संतोष पर जवाब नहीं दिया। इस मामले में मादक पदार्थ जब्त कर NDPC एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। वही अंसारी यह मादक पदार्थ कहाँ से लाया था और किसे भेजना चाहता था, इसे लेकर पुलिस भी अपनी जांच में जुटी है। साथ ही आरोपी के पुराने रिकॉर्ड को भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। क्या मामला है और किसको गिरफ्तार किया? रात्रि को गश्त के दौरान अंदर कोर्ट में अम्बा बावड़ी के पास में एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखा, जिसका पीछा किया तो वो भगने लग गया, जिसको रोक कर हमने चेक किया, उसकी तलाशी ली गई तो 1 किलो 214 ग्राम गांजा उसके पास मिला है, जिसको जब्त कर उसको गिरफ्तार किया गया है। गांजा कहाँ से लाया, किसको देने जा रहा था, इसके संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है। सर, क्या नाम है, कहाँ का रहता है? इसका नाम है मतीन अंसारी और अम्बा बावड़ी अंदर कोर्ट का रहने वाला। सर, पूर्व में भी कोई है? पूर्व का रिकॉर्ड दिखवा रहे हैं।